जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस बार का अक्टूबर मंथ ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में हमारे हॉस्पिटल के कैंसर सर्जन डॉक्टर हरीश शर्मा से हम कुछ बातचीत करना चाहते हैं। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले तो मैं सीधे सवालों पे आता हूँ, जानना चाह रहा हूँ स्तन कैंसर क्या है। उदय, महिलाओं में सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आज पूरे विश्व की महिलाओं में कैंसर यदि होता है तो ब्रेस्ट कैंसर का नंबर सबसे ज़्यादा है। भारत की अगर बात करें तो पिछले 10-15 सालों में ये कैंसर सर्वाइकल कैंसर से भी आगे ज़्यादा बढ़ चुका है, इसका नंबर बहुत ज़्यादा हो गया है। और ब्रेस्ट कैंसर में कैंसर हम तब बोलते हैं कि कोई भी गांठ जो असामान्य रूप से बढ़ने लग जाए, जो एकदम से बहुत बड़ा बदलाव ले लें, या जिसमें से किसी तरह के बहुत ज़्यादा रिसाव, निप्पल में से ब्लडी डिस्चार्ज यदि होने लग जाए, इस तरह की चीज़ों को हम ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। तो सर, सबसे पहले इसके लक्षण कैसे, एक आम महिला कैसे इसके लक्षण पहचान पाएगी, ये कैंसर तो नहीं? जैसे अभी मैंने बताया कि सबसे पहला लक्षण तो होता है ब्रेस्ट में गांठ का बनना। सर, ज़्यादातर मरीजों में गांठ जरूर मिलेगी। उसके बाद जो कुछ ऐसे लक्षण हैं कि निप्पल से डिस्चार्ज आना, और खास करके ब्लडी डिस्चार्ज, खून का डिस्चार्ज आना, परंतु सभी महिलाओं में ऐसा नहीं, खास करके कुछ महिलाओं में जिनकी उम्र ज़्यादा बढ़ चुकी हो, उनको इस बारे में बहुत ज़्यादा अवेयर रहना चाहिए। ब्रेस्ट के आकार में बदलाव आ जाता है। और कुछ मैं ये बताना चाहूँगा कि कभी कभी कुछ महिलाएं बड़े आराम से नोटिस करें कि उनके ब्रेस्ट की स्किन ऑरेंज के पील की तरह से ना हो जाए। ऑरेंज पील बोलते हैं, प्यूडी ऑरेंज बोलते हैं, एक तरह का सिम्टम्स बोला जाता है ब्रेस्ट कैंसर में। तो इस तरह के बदलाव ये सब मार्क करते हैं कि ये गांठ पर्टिकुलरली कैंसर हो सकती है। सर, क्या ये गांठें पेनफुल भी होती हैं? उदय, ज़्यादातर कैंसर की गांठें दर्द नहीं करती हैं। नहीं, और कोई ऐसी गांठ जो बहुत ज़्यादा बड़ी, हार्ड और दर्द कर रही है, इसका मतलब तो वो थोड़ा स्टेज को पार कर चुकी है, परंतु ज़्यादातर गांठें दर्द नहीं करती। नहीं करती। तो सर, क्या इन गांठों को एक साधारण महिला अपने घर पर ही पहचान सकती है? क्या ये चिंताजनक गांठ है या नॉर्मल गांठ है? बिल्कुल, पिछले कई सालों से अच्छे अच्छे ब्रेस्ट क्लिनिक के थ्रू ये मैसेज महिलाओं को दिया गया, खूब सारे मटेरियल्स के थ्रू, मेथड्स के थ्रू, कि महिलाएं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकती हैं, अपने ब्रेस्ट की स्वयं जांच कर सकती हैं महीने में एक बार, खास करके जब वो स्नान ले रही है, तो इस दौरान वो ये देख सकती हैं कि कोई बदलाव तो नहीं है क्या, कोई गांठ ऐसी महसूस तो नहीं हो रही जो एकदम से आकार में बढ़ गई। और यदि वो ऐसा पाती हैं तो उनको तुरंत अपने आसपास कोई गायनेकोलॉजिस्ट हैं, कोई फिजिशियन है, कोई सर्जन है, किसी को भी दिखलाएं। जितने भी हमारे प्राथमिक डॉक्टर हैं वो सभी वेल ट्रेंड होते हैं इनके बारे में प्राथमिक जांचें कराने। तो सर, इससे बचाव के लिए नियमित जांच ही महत्वपूर्ण है? बिल्कुल, जांच के बिना कुछ भी नहीं पता लगा पाएंगे हम। और जो बड़ी दो फेमस जांचें आजकल होती हैं, जो बहुत सारी महिलाएं पहले से ही जानती हैं, छोटी उम्र में ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड, और 40 की उम्र के बाद मैमोग्राफी, और उसके बाद सुई की जांच, जिसको हम FNAC भी बोलते हैं। और आजकल इतनी अच्छी अच्छी निडल आ गई कि हम बायोप्सी भी निडल के थ्रू ही कर लेते हैं, और अल्ट्रासाउंड की मदद से करते हैं, ताकि उस पर्टिकुलर एरिया से हम टिश्यू ले सकें जहाँ पे हमें डाउट लग रहा है। सुई की जांच सुन के अक्सर महिलाएं घबरा जाती हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ ये प्रोसीजर कोई पेनफुल प्रोसीजर है, बड़ा प्रोसीजर है, इसके लिए हमें दाखिल होना पड़ता है या कैसे रहता है? नहीं, FNAC और बायोप्सी बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है, इससे किसी तरह का कोई लक्षण ना तो बिगड़ता है, ना घटता है, ना ही बढ़ता है, और ये बिल्कुल डे केयर टाइम पे OPD बेसिस पे होता है। और इस FNAC की रिपोर्ट तो 2.5 से 3 घंटे में आ जाती है, बायोप्सी की भी रिपोर्ट आजकल 3 से 4 दिन में आ जाती है। तो सर, स्तन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर में मैं कहूँ मैमोग्राफी का क्या महत्व है? सर, मैमोग्राफी एक इतनी अच्छी जांच है कि जो किसी भी गांठ को, आकार को, उसके आकार, साइज, शेप को देखते हुए ये पहचान पाती है बड़ी जल्दी कि ये गांठ कैंसरस हो सकती है। तो मैमोग्राफी का इस बीमारी को एक तरह का ये स्क्रीनिंग टेस्ट है। इंडिया में अभी भी स्क्रीनिंग बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, तो अभी भी हम इसको डायग्नोस्टिक्स के लिए यूज़ करते हैं, बाकी बहुत सारे देशों में तो इसको स्क्रीनिंग के लिए यूज़ करते हैं।
आपका क्या सुझाव है सर, हमें कितने समय पे एक आम महिला को मेमो 40 वर्ष से जो ऊपर है उनको कितने समय में मेमोग्राफी करवा लेनी चाहिए? देखिए 40 वर्ष पे पहली मेमोग्राफी करानी चाहिए, अगर वो नॉर्मल है तो फिर 5 वर्ष के अंतराल पे भी करा सकते हैं, कई जगहों पे 3 साल का भी गैप होता है सर। जोखिम कारक क्या रहेंगे सर इसमें, अगर किसी को ये बीमारी पाई जाती है, ब्रेस्ट कैंसर घोषित हो गया है, तो उसमें क्या क्या जोखिम रहते हैं सर? देखिए उदय कैंसर होने के पहले तो कारण की बात करते हैं सर। पॉजिटिव तो सबसे पहले हार्मोनल इंबैलेंस, हार्मोन्स का इंबैलेंस होना नंबर एक। पारिवारिक हिस्ट्री कि जिनके परिवार में ऑलरेडी माँ को मौसी को इनको ब्रेस्ट कैंसर है, नानी को जी, ये मैटर करता है। लकीली आज भी हमारे देश में इनहेरिटेड कैंसर की संख्या बहुत कम है। उसके बाद जो अब भारत में भी काफ़ी कॉमन हो गया, और मैं बड़ा इस पर स्ट्रेस देना चाहूँगा 5 या 10 सेकेंड एक्स्ट्रा, कि महिलाओं में भी शराब की सेवन और धूम्रपान की आदत बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और अनफॉर्चुनेटली यंगर एज जब वो स्टूडेंट होती हैं या हो रहे हैं तब उनको मालूम ही नहीं है कि इस तरह की भी प्रॉब्लम को वो फेस कर सकती हैं। तो कृपया करके इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें सर। एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने से क्या ये चीज़ों से बचा जा सकता है? डेफिनेटली, जैसा कि कहा गया है हर बीमारी के बारे में कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ऐसे ही ये 100% पाया गया है कि बहुत सारी चीज़ों का समय से ध्यान रखते हुए प्रिवेंट भी कर सकते हैं। यदि हम एक अच्छा लाइफस्टाइल, एक अच्छा खान पान, घंटा डेढ़ घंटा आधा घंटा पौना घंटा यदि हम अपने हेल्थ के लिए शरीर को दे रहे हैं, योग के रूप में, मेडिटेशन के रूप में, एक्सरसाइज के रूप में, ये चीजें बहुत हेल्प करती सर। तो सर अगर किसी महिला के कैंसर हो गया तो समय पर इलाज करवाने से क्या वो पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं? डेफिनेटली, ब्रेस्ट कैंसर आजकल एक रोल मॉडल कैंसर है पूरे कैंसर ट्रीटिंग कम्युनिटी के लिए, जो कैंसर के इलाज करते हैं, चाहे वो कैंसर सर्जन हो, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हो, जैसे हमारे डॉक्टर लवनीश हैं, रेडिएशन जो हमारे डॉक्टर अरुण अग्रवाल हैं, इन सारी कम्युनिटीज के लिए ब्रेस्ट कैंसर एक बड़ा रोल मॉडल कैंसर है, क्योंकि इसमें रिजल्ट्स बहुत बेहतर हो गए हैं। और यदि महिलाएं समय पे इलाज लेती हैं, पूरा इलाज लेती हैं, तो ये कैंसर 95% क्योरेबल रेंज में आ गए। ऐसे बहुत कम कैंसर हैं जिनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि आप जी 95% ठीक हो जाओगे, लेकिन आपको इलाज बिल्कुल जो डॉक्टर आपके रिकमेंड कर रहे हैं वो लेना है। इस कैंसर का इलाज पूरा होने के बाद क्या एक महिला अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सकती है नॉर्मल तरीके से? बिल्कुल, यदि आप देखें पास्ट में, और जो मेरे को ये अवेयरनेस है बड़ी अच्छी तरह से कि कैंसर सोशल मीडिया ग्रुप्स बने हुए हैं ब्रेस्ट कैंसर के, उनकी अगर आप साइट पे विजिट करें, महिलाओं के एक्सपीरियंसेस सुने, तो कोई बता ही नहीं सकता है। हमारे बड़े बड़े नॉर्मल घरानों से लेके बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े बिजनेस वुमेन, अगर जिन्होंने इस चीज़ को सफर किया, स्पोर्ट्स पर्सन, दे आर डूइंग वेरी ओके, उनको सबको लगता है कि हम बिल्कुल ठीक हैं यदि उन्होंने इलाज पूरा लिया और उसके बाद भी अपना वो रेगुलर चेकअप अपने डॉक्टर से करवाते रहे। सर एक महिला को कैंसर होने के बाद आप क्या मानते हैं कि कैसे भावनात्मक और सामाजिक रूप से उन्हें कम्युनिटी में सपोर्ट करना चाहिए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए उदय, ये एक ऐसा डायग्नोसिस है जो रातों रात उस पेशेंट की, उसके पूरे परिवार की जिंदगी को चेंज कर देता है, सारी मानसिकता बदल जाती है। तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि एक पूरी सपोर्ट टीम उसके साथ हो, उसके घर वाले, स्पेशली हस्बैंड, इन लॉज उसको बहुत सपोर्ट करें कि बेटा तू ठीक हो जाएगी, तुझे चिंता नहीं करनी, हम तेरे साथ हैं। इस तरह का माहौल अगर मिले तो मरीज को, और हम ये सभी जानते हैं कि जो मरीज खुश हो जाता है उसकी बीमारियां भी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। तो सर लास्ट इंटरव्यू के लास्ट में बस आपकी तरफ से एक मैसेज आम पब्लिक के लिए, कैंसर के ऊपर नॉर्मल जीवन शैली, स्वस्थ जीवन शैली के ऊपर आपसे एक मैसेज एज ए कैंसर सर्जन। उदय, मेरे को इस ट्रीटमेंट को करते हुए लगभग 22 साल हो गए, जिंदल हॉस्पिटल से ये शुरुआत हुई थी, और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कैंसर में जब से टीम वर्क इलाज शुरू करें, जहाँ पे कैंसर सर्जन, रेडिएशन के डॉक्टर और मेडिकल ऑन्कोलॉजी के डॉक्टर, अगर वो साथ में मिलके
पूरे ट्यूमर के सारी स्टेज को डिस्कस करके अगर पेशेंट का इलाज करते हैं तो बुरे से बुरा कैंसर भी आज ठीक होने के कगार पे पहुंच गया है। और मैं हमेशा बहुत अपनी कई सारी पास्ट में भी ये बात कह चुका हूँ कि कैंसर से घबराना नहीं है, इसका इलाज कराना है, क्योंकि ये साध्य रोग है, हम इसको साध सकते हैं बहुत अच्छे से। और आप देखो कितने कैंसर हॉस्पिटल खुल रहे हैं, आज हिसार में 4 या 5 कैंसर हॉस्पिटल हैं। अगर इसके रिजल्ट नहीं होते तो ऐसे हॉस्पिटल नहीं खुल सकते थे। ये अपने आप में दर्शाता है कि कितने काबिल टीमें हमारे हिसार में हो रही हैं इसमें इलाज करने के लिए।